नमस्कार, असम आदित्य समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। शिवसागर के राजीव भवन में रविवार को जिला कांग्रेस के पहल पर आयोजित योगदान कार्यक्रम में नाजिरा के विधायक तथा विरोधी नेता देवव्रत सैकिया की मौजूदगी में 100 से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में योगदान दिया। शिवसागर के राजीव भवन में रविवार को आयोजित एक योगदान कार्यक्रम में भाग लेते हुए पंजाब में हुए घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने। उन्होंने कहा कि बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री को रोकने वाले प्रदर्शनकारियों की कार्रवाई एक ड्रामा के अलावा और कुछ नहीं है। मोदी की लोकप्रियता घट रही है, इसीलिए भाजपा ने ये नाटक रचा है। जिस जनसभा में 70,000 लोग इकट्ठा होने वाले थे, उस सभा में 7,000 लोग भी इकट्ठे ना होने की वजह से नरेंद्र मोदी ने ये नाटक रचा है। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव के दिन नजदीक आते ही शिवसागर में अब राजनीतिक दलों के बीच कार्यक्रमों में शामिल होने की होड़ भी शुरू हो गई है। पिछले दो दिनों से भाजपा और रायजोर दल के योगदान कार्यक्रम के बाद रविवार को शिवसागर के राजीव भवन में जिला कांग्रेस के पहल पर आयोजित योगदान कार्यक्रम में नाजिरा के विधायक तथा विरोधी नेता देवव्रत सैकिया की मौजूदगी में 100 से भी अधिक भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। 2015 सन मानर प्राय भारतीय जनता पार्टी सहयोगिता आगबढ़ा शिवसागर नगर विभिन्न अंचल युवक महिला आमार दलत योगदान करिसे प्राय 50 जन मान हबो बुली मोक जनाइसे आरु तेखेतसकलक मैं आदरणीय जनाइछो जे तेखेतसकले बर्तमान समयत साधारणते देखा जाय जे विरोधी पक्षर पर शासक दलर फाललै फुट बय कारण विभिन्न धरणर प्रलोभनर राजनीति अहोमत चलि थाके। ए प्रलोभनर राजनीतिर माजत आजि शिवसागर नगरत केतबोर युवक युवती आमार दलत योगदान करिसे, मय तेनलोकक आदरणीय जनाइछो। शिवसागर से सैयद मुस्ताकुर रहमान की रिपोर्ट, असम आदित्य। उत्तरी असम के अन्य हिस्सों के साथ साथ चराइदेव जिले के सोनारी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सड़क संचालन कार्यक्रम आयोजित किया गया। चराइदेव जिले के सोनारी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सड़क संचालन कार्यक्रम आयोजित। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चराइदेव जिला समिति के पहल के तहत आयोजित की गई। सोनारी स्थित भागवती प्रसाद बरुआ स्मरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित हुई। उत्तरी असम के अन्य हिस्सों के साथ साथ सोनारी में भी आज आयोजित किए गए सड़क सिंचाई कार्यक्रम में मंत्री जुगेन महन, जोरहाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद तपन कुमार गोगोई एवं सोनारी के विधायक धर्मेश्वर कुंवर ने भी हिस्सा लिया। 200 से भी अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सोनारी के भागवती प्रसाद बरुआ स्मरणीय हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान से होते हुए सोनारी शहर के बीच से करीब 4 किलोमीटर सड़क पर पैदल मार्च किया। এনেধৰণে পথ সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমি আজি চৰাইদেউ জিলাত আমি প্ৰায় 200 আমাৰ ইয়াত আমি সদস্য আহিছোঁ। সকলোৱে আমি ইয়াত আজি পথ সঞ্চালন কৰিম। আমি গোটেই সোণাৰী টাউনখন প্ৰায় 4.5 কিলোমিটাৰ আমি এনেধৰণে পথ সঞ্চালন কৰিবৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ। চৰাইদেউ শ্ৰী ৰূপামণি গগৈ কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ কা প্ৰান্তীয় পথ সঞ্চালন আজ 9 জানুৱাৰী 2022 ৰবিবাৰ কো ডিব্ৰুগড় মে আয়োজিত কিয়া গয়া। संचालन मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल से प्रारंभ होकर शनि मंदिर थाना चराली आरकेबी पथ हनुमान सिंघानिया पथ फुलबगान से होते हुए वापस मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल पहुंचा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांतीय पथ संचालन आज 9 जनवरी 2022 रविवार को डिब्रूगढ़ में भी आयोजित किया गया। संचालन मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल से प्रारंभ होकर शनि मंदिर थाना चराली आरकेबी पथ हनुमान सिंघानिया पथ फुलबगान से होते हुए वापस मारवाड़ी हिंदी हाई स्कूल पहुंचा। संचालन में कुल संख्या 165 थी। सभी कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए मास्क पहने हुए दंड धारण किए हुए थे। सभी प्रतिभागी कोविड प्रतिरोधी दोहरे टीकाकृत थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 9 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की।
आज के दिन सन 1431 में फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई थी। 1768 में फिलिप एस्ले ने पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया था। 1816 में सर हम्फ्री डेवी ने खदान कर्मियों के लिए पहले डेवी लैंप का परीक्षण किया था। 1873 में नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय की मृत्यु हुई थी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मुंबई पहुंचे थे। 1918 में भालू घाटी के युद्ध रेड इंडियनों और अमेरिकी सैनिकों के बीच अंतिम युद्ध बैटल ऑफ बियर वैली का आगाज हुआ था। 1934 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म हुआ था। 1923 में जुआन डी ला सियेरवा ने पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया था। 1941 में यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 6000 यहूदियों की हत्या हुई थी। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था। 2005 में अराफात को फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पद से हटाने के लिए चुनाव हुआ था और इसी साल पीएलओ के अध्यक्ष महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए थे। 2008 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शामिल किया था। 2009 में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेबी जान फाउंडेशन पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2012 में लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे वर्ष फीफा का बैलोन डी'ओर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जीता था। 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों में संशोधन किया था और इसी साल सबसे पहले HDFC बैंक ने माई ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इस ऐप का उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।